क्या क्या है इधर? पूड़ी, सब्जी, ये सांभर है, और ये फ्राइड पोटैटो, पोहा, पात्रा 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 बोलते हैं, कुकीज और ये टोस्ट ब्रेड, मक्खन भी है यार। बुफे टाइमिंग 8 से 10, 10:30 सेल्फ सर्विस ब्रेड है, स्प्रेड ठीक है, ब्रेकफास्ट के हिसाब से। बच्चे ऑलरेडी बैठ चुके हैं, चाय भी है यार, और सब लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग, अभी हम सूरत से निकल गए हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम्स थे वो आपको दिखा लिए, पूरी बाजी, पोहा, ये सब। वो थोड़ा मीठा पोहा था जो गुजरात में आइडियली मिलता है, वो वैसा थोड़ा सा मीठा, वो जैसा अपना महाराष्ट्र में नमकीन पोहा होता है पूरा, वैसा नहीं था, थोड़ा मीठा था। तो अभी हमने वहाँ से चेकआउट कर दिया होटल से, होटल भी ठीक ठाक था। अप्रोच थोड़ा, मतलब जो अप्रोच था थोड़ा अंदर घुसने का, वो एक ही बिल्डिंग में 3-4 होटल थे, थोड़ा वो थोड़ा गंदा लगा, बाकी अंदर से रूम वूम अच्छे थे सब। तो अभी हमें डिस्टेंस बता रहा है यहाँ से 244, हमने कुछ अभी तक कितना 20 किलोमीटर चल गए होंगे हम, 10-15 किलोमीटर, 266 है टोटल। यहाँ से बाहर आ गए हम, सिटी से हम बाहर NH 48 पकड़ लिया है हमने। तो अभी वही 4 घंटे बता रहा है कि 4 घंटे के बाद आप अहमदाबाद पहुंच जाओगे, 3:10 का अराइवल बता रहा है। तो खाना हमने खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मुझे लगता है अब 4 घंटे लगातार चलने के बाद अब वहीं रुकेंगे। अभी 11 बज गए हैं, कितने, 4 बजे तक बोल रहा है ना पहुँचेंगे। तो प्लान यही है कि 4 बजे तक पहुँचेंगे, 1 घंटा रिलैक्स करके, उसके बाद वही काकरिया लेक जो मेन है। मैं 10 साल पहले अहमदाबाद में था, मैंने अपना पहला जॉब, मतलब दूसरा जॉब अहमदाबाद में ही किया था, 1 साल था मैं उधर। बहुत पीसफुल सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग है गुजराती, तो मेरी हेल्प, मतलब मैंने वहीं मोस्टली अपने करियर का काम सीखा था। एनीवेज तो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब 4 घंटे में, और वहाँ पहुँच के अपडेट देते हैं आपको। अगर हम इनकेस बीच में ब्रेक लेते हैं तो, और कहाँ लेते हैं उसका भी अपडेट देते हैं आपको, स्टे ट्यून्ड। अभी आ गए हम नर्मदा टोल प्लाजा, रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है अभी तक जो हम आए हैं सूरत से, बहुत अच्छी है रोड कंडीशंस, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग प्लान कीजिए, आइए कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो रोड कंडीशंस अच्छी है, और अभी नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा है, यहाँ से अभी 192 किलोमीटर बता रहा है, 3 घंटे लगभग और लगेंगे, 3 बजे के करीब हम पहुंचेंगे। और अगर 1 घंटे का ब्रेक लिया तो 4 बजे तक। नहीं नहीं, अभी ब्रेक नहीं लेना आज, अब जो खाना है वो होटल में या फिर होटल पहुंच कर ही खाना है, या होटल में या बाहर। तो जैसा भी आगे हिसाब किताब रहता है आपको अपडेट करते रहते हैं हम। हम चल ही रहे हैं, अभी भी 147 किलोमीटर्स है, 314 का अराइवल है, 42 किलोमीटर्स के बाद हमें लेफ्ट लेने के लिए बोल रहा है। आई थिंक फिर ये दूसरा हाईवे ले लेगा क्या, NH 48 को हम छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, NH 48 यही है ना जो कश्मीर टू कन्याकुमारी कनेक्ट करता है। अच्छा अच्छा, तो ये पूरा यही अहमदाबाद तक यही रूट होता है। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है रोड कंडीशन? मुझे तो अच्छा लग रहा है रोड, मतलब महाराष्ट्र के कंपैरिजन में तो रोड्स यहाँ पे अच्छे ही लग रहे हैं, हाईवे तो अच्छा ही है, रोड अच्छी है, ये पूरा NH 48 अच्छा है। हाँ मुझे भी वही अच्छा लगा, मतलब इंटरनल महाराष्ट्र में जो हम घूमते हैं वो इतने अच्छे रोड्स नहीं है, एक्सप्रेसवे को छोड़कर ये अच्छा रोड है। तो
अभी भी 41 किलोमीटर्स के बाद जहाँ भी ये कनेक्ट होता है कैसे रहता है, हम कहीं रुकते हैं नहीं रुकते हैं, शायद पेट्रोल के लिए हम एक जगह रुकेंगे। अभी कितना दिखा रहा है वो रेंज आपको हमको कि कितना अभी तक चलेगा हमारा पेट्रोल? 280 दिखा, मतलब भरने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो अजय भरेंगे तो हम भी भर लेंगे ना। तो अभी हमारे साथ जो दूसरी गाड़ी है वो आगे है, तो वो और हम देखते हैं कहीं रुकेंगे पेट्रोल के लिए या कहीं स्टॉप लेंगे थोड़ा सा, जस्ट एक 10-15 मिनट्स का ब्रेक के लिए। तो जैसा भी रहता है हम आपको अपडेट करते हैं। सो गाइज, अभी हम मैकडॉनल्ड्स पे रुके हुए हैं, हाईवे पे ही ऑन द वे है, वडोदरा के थोड़ा सा आगे है। बच्चों को भूख लग गई थी, बच्चों के लिए आज हम स्पेशली मैकडॉनल्ड्स, कल से वेट कर रहे थे कि मैकडॉनल्ड्स पे रुकना है, तो आज हमने फाइनली इनकी बात मान ली है। चिकन नगेट्स है, बर्गर है। और अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमें? यहाँ से अभी हमें और 2 घंटे लगने वाले हैं, तो ये सब खाके फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपसे अहमदाबाद में मिलते हैं। तो अभी हम आगे हैं वडोदरा एक्सप्रेस वे पे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे, इसको ये भी बोलते हैं नेशनल एक्सप्रेस वे 1। मैंने 3 साल पहले एक्सप्रेस वे किया था, बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है, 100 किलोमीटर सीधा ही है, मतलब 92 किलोमीटर सीधा ही है, तो बहुत जबरदस्त एक्सप्रेस वे है, तो रोड बहुत अच्छा है इधर का। कभी आपका प्लान हो तो बनाओ प्लान, रोड्स अच्छे हैं, आप आ सकते हैं। और हमने अभी वो मैकडी पे खा लिया था, तो हमने सोचा अभी ब्रेक के लिए नहीं रुकेंगे, तो वहीं पे खा लिया। तो अभी टाइम हो गया है, अभी 2:48 हुआ है, 4:30 बजे तक हम पहुंचेंगे, लगभग कुछ 1.5 घंटा लगेगा हमें। 101 किलोमीटर है, जिसमें से 91 किलोमीटर तो सीधा एक्सप्रेस वे ही है। होपफुली हम ट्राई करेंगे कवर करने का जल्दी, बट सेफली करेंगे, ऐसा नहीं है रश करेंगे। तो आगे आपको अपडेट देते हैं, जो भी नई एक्टिविटी या कुछ होता है तो आपको बताते हैं, स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम रूम पे पहुंच गए, हमने चेक इन किया अपने होटल में, हमारे होटल का नाम है होटल एल डोराडो, जो अहमदाबाद सिटी में है। मैं आपको क्विकली रूम टूर दे देती हूँ। ये जो हमने बुक किया है ये टाइटेनियम रूम है, ये रूम का एंट्री है, प्लैटिनम है क्या? टाइटेनियम है, टाइटेनियम रूम है, ये रूम की एंट्री है। एंट्री के बाद जैसे ही आप एंट्री करोगे तो ये बेड है, यहाँ पे चेयर है, सोफा, यहाँ पे वर्क डेस्क है, दिस साइड फ्रिज है, कैबिनेट्स हैं, और यहाँ पे टीवी है। टीवी के साथ ही यहाँ पे एक डेस्क रखा है जिसपे नो इफ यू वांट कॉफी और समथिंग कैन हैव इट। यहाँ पे फुल साइज मिला मिरर है, उनने बोला है अगर आपको बेडिंग चाहिए तो दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेडिंग एज वेल। यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम से निकलते ही बेड के एकदम साइड में यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी उनने दिया है टू वॉश योर हैंड्स, और ये सब को यहाँ पे मिरर है वॉश बेसिन के सामने, और बाकी सब एसेसरीज हैं, टॉयलेटरीज, देन ड्रायर। तो अच्छा रूम है, इट्स अ गुड रूम। और दिन तो गुजारिए अभी प्लान ऐसा है कि फ्रेश होते हैं एंड देन यहाँ पे पास में ही कांकरिया लेक है, और वो कांकरिया लेक विजिट करने का है, वहाँ बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क जैसा है, एंड ऑल्सो वहाँ पे कुछ फेस्टिवल, डिसम्बर फेस्टिवल, कार्निवल स्टार्ट होने वाला है, तो वही अभी बच्चों को घुमा के आएंगे एंड देन वहीं पे बाहर देखते हैं कि बाहर डिनर करते हैं या फिर होटल में ही। हमने वैसे पैकेज में लिया है, इधर विल हैव एट होटल और या फिर बाहर खाएंगे, जो भी होता है आपको अपडेट देंगे। टिल देन बाय बाय। दो घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली बच्चे खुश, क्रिसमस की छुट्टी थी, और ये धीरे धीरे टॉय ट्रेन है जो आपको पूरा राउंड करवाती है इस काकरिया लेक का।